नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि फिटनेस इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा वहम क्यों हैं, इतने ज़्यादा झूठ क्यों फैले हुए हैं, कह लो इतने ज़्यादा मिथ क्यों फैले हुए, इतने ज़्यादा वहम क्यों फैले हुए हैं। सबसे पहला कारण जो मैं इसका दूंगा वो ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है, लगभग सारे लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मुझे सामने वाला जो बोलेगा कि अरे ये डब्बा खा ले, ये पाउडर खा ले, तेरी बॉडी बन जाएगी, और मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं मान लूंगा ना कि हाँ यार अच्छा ऐसा होता है कि डब्बा खाने से, पाउडर खाने से बॉडी बनती है, अच्छा, ठीक है मैं खा लेता हूँ। मुझे पता चला, मैं आगे किसी और को बता दूंगा, वो आगे किसी और को बता देगा, करते करते एक चेन चल जाएगी। ऐसा क्या जैसे आपने अगर ध्यान दिया तो काफी लोग अंडे खाने लग जाते हैं ये सोच करके कि अंडे में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हमारे लिए हेल्थ के लिए जरूरी होता है, तो हमारे के लिए को प्रोटीन मिल जाएगा अंडे से तो हम हेल्दी हो जाएंगे। प्रोटीन तो आपको बादाम से भी मिलता है। तो लेकिन बादाम सिर्फ इसलिए नहीं खाए जाते क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, हर चीज के फायदे नुकसान। अंडों के अपने कुछ प्रूवन नुकसान है जो साइंस प्रूव कर रही है या प्रूव कर चुकी है कि अंडे खाने से बीमारियां हो सकती है, तकलीफें हो सकती है। सिर्फ लोगों को, जैसे मेरे को किसी ने बोल दिया कि अरे अंडे में काफी प्रोटीन होता है, अंडा खा लिया कर, मैंने उसे सुन लिया प्रोटीन होता है और मैंने खाना चालू कर दिया, उतना ही प्रोटीन मेरे को किसी और चीज में मिल जाएगा जिसके अंडे जितने नुकसान ना हो। तो क्या लेकिन लोग सुनते हैं, पता कुछ होता नहीं है, आगे बता देते हैं। फिर क्या है कि सेहत जो है ना वो लोगों की एक एक ऐसी चीज है जिस पर हर कोई ध्यान देना चाहता है। जैसे मुझे पता चला ना कि अरे ये चीज सेहत के लिए अच्छी है, तो मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन को बताना चाहूंगा क्योंकि मैं उनका भला चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा क्योंकि मैं उनका भला चाहता हूँ, मैं खुद अपने जीवन में उतारना चाहूंगा, मैं खुद चाहूंगा कि मैं उनके जीवन में भी उतर पा दूँ, वो भी वो चीज करने लग जाए ताकि वो भी सेहतमंद रहे। तो ये जो चीज है ना लोगों को चाहिए तो वो बताते हैं बहुत ज्यादा इस चीज को, और उन्हें वो जिनको बता रहे हैं उनको भी कुछ पता नहीं है तो वो भी वैसे ही मान लेते हैं जैसे उन्हें बताया जा रहा है, और वो आगे भी वैसे ही बता देते हैं, तो वो चीज फैलती जाती है। इसलिए फिटनेस की लाइन में यह है, चीजें वायरल जल्दी होती है, जैसे डब्बे खाने से या प्रोटीन पाउडर खाने से बॉडी बनती है, या अंडों में बहुत प्रोटीन होता है तो अंडे खाए जाओ, इस तरीके की बातें। अंडों में अपने जितना जितना प्रोटीन है उतना प्रोटीन है, और ऐसा नहीं कि तुम अंडे नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, या अंडे जितना प्रोटीन तुम कोई और चीज से नहीं ले पाओगे, पर बस वही जो बात चलती जा रही है वो चलती जा रही है, वो फैलती जा रही है। बहुत शाकाहारी लोग अंडे खाना चालू कर देते कि सेहत के लिए जरूरी है या सेहत के लिए अच्छा अच्छा है, ऐसी बातें नहीं। दूसरा कारण क्या है कि आपको पता नहीं चलता आपके शरीर में क्या चल रहा है। अब मेरे पास में कोई बॉडी बिल्डर आया, उसने कहा कि ये देख ये प्रोटीन पाउडर का डब्बा है, ये डब्बा है उसको खा ले बॉडी बन जाएगी मेरे जैसी, ऐसे 5-7-10 डब्बे टिका जा 5-7-10 महीने के अंदर अंदर, और दबा के कसरत कर मेरे जैसी बॉडी बन जाएगी। मैंने मान लो वो प्रोटीन पाउडर खाया और मैंने एक अच्छी डाइट भी खाई, मैंने एक अच्छी डाइट भी खाई, मेरी बॉडी बन गई, ठीक है मेरी बॉडी बन गई मतलब मेरी मसल बढ़ गई, मेरी बॉडी में मसल बढ़ गई, बॉडी बनने का मतलब है कि मसल बढ़ गई, तो मैं सोचूंगा अरे ये प्रोटीन पाउडर से हुई है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप वो प्रोटीन पाउडर नहीं लेते और आपकी डाइट सही होती है और उसके अंदर आपकी डाइट के अंदर वो सब पूरा पोषण होता, पूरा प्रोटीन होता, विटामिन मिनरल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, सब होता है जो आपके शरीर को चाहिए था, तो आपकी बॉडी वैसी बन जाती बिना प्रोटीन पाउडर की जरूरत के, पर आपने वैसा करके देखा नहीं। बहुत लोग हैं जो पतले से होते हैं प्रोटीन पाउडर के बहुत डब्बे खा जाते हैं, मतलब बहुत प्रोटीन पाउडर खा जाते हैं, बहुत कई महीनों तो कोशिश करते हैं, कई सालों तो कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी नहीं बनती, मसल नहीं चढ़ती, बहुत कम इम्प्रूवमेंट होते हैं, ना के बराबर इम्प्रूवमेंट होता है। तो क्या है जिसने अपनी बॉडी बनाई है, जिसने अपनी बॉडी में मसल चढ़ाई है, उसकी बॉडी में उसकी अच्छी डाइट के कारण मसल चढ़ी है या प्रोटीन पाउडर के कारण मसल चढ़ी है या कोई और डब्बा खाने के कारण मसल चढ़ी है, हमने अंदर जाके देखा नहीं ना उसके शरीर में, हमें कैसे पता किस चीज़ से उसके शरीर में फर्क आया है, तो हम अंदर जाके देख नहीं पाते किस चीज से क्या हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके कारण क्या है कि जो बोला जाता है वो मान लेते हैं लोग।
क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए जगह ही नहीं है ना, हम कैसे वेरीफाई कर ले। फिर तीसरा ये कारण है कि तीसरा कारण ये है कि साइंस को बहुत सारी चीज़ें अभी तक पता नहीं है। साइंस बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है, तो वो जवाब आते आते आएंगे। हो सकता है 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, 16 साल लग जाए, हो सकता है आप और मैं तब तक रहे ही ना। तो साइंस को जैसे 1950-60 के आसपास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट US में करीब 110 ग्राम के आसपास बताई जाती थी रोज की, जो कि अभी 50 ग्राम के आसपास बताई जाती है एक आम आदमी के लिए लगभग। तो उस टाइम जो हमें पता था वो आज गलत है हमारे लिए, जो आज हमें पता है हो सकता है आज से 20 साल बाद गलत हो हमारे लिए। तो क्या साइंस को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं, तो जिसके मन में जो आता है वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बोल देता है, और आप उसको गलत कह नहीं सकते क्योंकि साइंस के पास में कोई खास प्रूफ नहीं है उसको गलत कहने के लिए। जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रोज की कितनी है, इसके लिए भी कोई इंसानों पे करी गई बहुत बड़ी सॉलिड स्टडी नहीं है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की स्टडी हुई चूहों पे, उसके आधार पे हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मानते हैं काफी टाइम से। फिर क्या है कि ये जो जिम के ट्रेनर्स होते हैं या जिम जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये झूठी बातें फैला देते हैं। जैसे क्या वो पैसों के लालच में फैला देते हैं, काफी बार ऐसा होता है। तो क्या होता है कि जैसे मैं कह दूंगा अरे ये डंबा खा ले तेरी बॉडी बन जाएगी, मैं क्यों कह दूंगा, क्योंकि सामने वाले मेरे से डब्बा खरीदेगा तो मेरे को उससे मुनाफा होएगा। मान लेते कोई जिम का ट्रेनर है जिसने स्टीरॉइड्स खा करके बॉडी बनाई थी, मतलब मसल गेन करी थी, तो वो सामने वाले को सामने वाले को कुछ पता नहीं है, उसको लगे अच्छा इसने प्रोटीन पाउडर खाया था उससे इसकी बॉडी बन गई, उसे पता नहीं स्टीरॉइड से बनी थी। हो सकता है कि जिम के ट्रेनर ने प्रोटीन पाउडर खाया हो, स्टीरॉइड नहीं खाया हो, लेकिन उसकी डाइट अच्छी हो उस ट्रेनर की, तो अगर वो प्रोटीन पाउडर नहीं भी खाता तो भी उसकी बॉडी अच्छी बन जाती क्योंकि उसकी डाइट उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स दे रही थी, पूरा पोषण दे रही थी। लेकिन अब हम अंदर जाके तो देख नहीं सकते ना कि इस चीज़ ने क्या काम किया। तो उस जिम के ट्रेनर को खुद को लग रहा है कि मेरी प्रोटीन पाउडर से बॉडी बनी, तो उसने आगे फैला दिया कि अरे यार प्रोटीन पाउडर से बॉडी बन रही है, तू भी प्रोटीन पाउडर खा। और यही बंदा जिसको बोला गया वो प्रोटीन पाउडर खा रहा है, उसकी बॉडी बन ही नहीं रही है क्योंकि उसकी डाइट सही नहीं है। और वही काफी लोग हैं जो प्रोटीन पाउडर नहीं खा रहे, डाइट अच्छी है तो बॉडी बन रही है। फिर क्या है कि काफी सप्लीमेंट की जो ब्रांड्स होती है ना, गलती में गलत तस्वीर बना देती है लोगों के सामने। जैसे एक ऐड आ रहा है टीवी पे जिसमें एक बहुत बढ़िया बॉडी वाला आदमी बैठा है और पास में प्रोटीन पाउडर का डब्बा लेके बैठा है, तो लोगों के दिमाग में तस्वीर बन जाती है कि ओ ये प्रोटीन पाउडर खाने से ऐसी बॉडी बनती है। और बहुत पिक्चरों में ऐसा होता है कि एक बंदा है वो दौड़े जा रहा है और फिर कुछ 15 मिनट तक उसको दौड़ते हुए और अलग अलग तरीके की कसरतें करते हुए दिखाया, और फिर उसकी बॉडी तगड़ी बनी हुई दिखा दी, बहुत मसल दिखा दी, बहुत कट्स दिखा दिए। तो लोगों को लगता है अच्छा अच्छा दौड़ते रहने से ऐसे कट्स निकल जाते हैं। तो ऐसे क्या है, ये गलत लोगों के दिमाग में तस्वीर बन जाती है। ये सब कारण है कि फिटनेस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे वहम बैठे हुए हैं कि प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी है या ये चीज़ खानी ज़रूरी है। बहुत लोग ब्रोकली को प्रोटीन सोच करके खा जाते हैं जबकि वो सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल के लिए खाई जाती है। इस तरीके बहुत सारे वहम बैठे हैं, ऐसे काफ़ी वहम मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में तोड़ूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि उन्हें समझ आए कि क्या हो रहा है जिसके कारण इतने वहम चल रहे हैं। और मेरे आगे आने वाले जो वीडियो शेयर करना ताकि उनकी बहुत वहम दूर हो जाए, वो हेल्दी सोच करके कहीं अपनी बॉडी के साथ में कुछ अनहेल्दी ना कर रहे हो, मतलब वही सोच रहे हो हम सेहतमंद कर रहे हैं और वो कहीं अपनी शरीर को नुकसान ही ना पहुंचा रहे हो। अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे अगले वीडियो में